तारीख 23 सितंबर, जगह छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के पास अबूझमाड़ क्षेत्र। एंटी नक्सल ऑपरेशन, एक्शन लेने वाली टीम संयुक्त सुरक्षा दल। टारगेट पर थे नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर। रुपेश सिर पर 25 लाख का इनाम, मारा गया। जगदीश सिर पर 16 लाख का इनाम, मारा गया। अगली तारीख 3 अक्टूबर दिन गुरुवार, समय शाम का वक्त, जगह छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ का थुलथुली एरिया। इस बार की कार्यवाही में 500 जवानों ने 36 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद किए। सबसे खास बात ये कि देश में एक साथ 36 से ज्यादा नक्सलियों को मारने की ये पहली कार्यवाही थी। इस घटना ने 2024 में मारे गए नक्सलियों की कुल संख्या को 190 प्लस तक पहुंचा दिया। ये नंबर पिछले 15 वर्षों में नक्सलियों की सबसे अधिक संख्या है। इसके अलावा पिछले 9 महीनों में 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारियां हुई और 738 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, हाल ही में एंटी नक्सल ऑपरेशन में बहुत तेजी आ रही है। आज के एपिसोड में बात करेंगे आखिर नक्सली समस्या कैसे पैदा हुई, एक छोटा सा विद्रोह कैसे भारत के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में फैल गया, कैसे एक छोटा सा विद्रोह कई इलाकों में पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गया, नक्सलिज्म के कारण क्या है, क्या ये एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है या एक बड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं, आखिर छत्तीसगढ़ कैसे बन गया नक्सलियों का हॉटस्पॉट, अर्बन नक्सलिज्म क्या है, नक्सलिज्म को कैसे रोक सकते हैं, आज इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन, मेरा नाम है अमृत। आज से 20-25 साल पहले की बात है, हिडमा एक आदिवासी है और अपनी बहन माता पिता के साथ अबूझमाड़ एरिया में रहता है। परिवार तेंदुपत्ता कलेक्ट करके और गाय भैंस बकरी पाल के अपना गुजर बसर खुशहाली से करता है। एक दिन हिडमा की बहन जंगल में तेंदुपत्ता बीनने के लिए थोड़ी दूर निकल जाती है। अचानक से 2-3 आदमी उसे दबोच लेते हैं, उसे एक बड़े से लठ से मारते हैं और उसका रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद उसे अधमरी हालत में वहीं छोड़ देते हैं। बहुत देर तक जब बहन घर वापस नहीं आती तो हिडमा उसे खोजने चला जाता है। हिडमा को उसकी बहन अधमरी हालत में मिलती है। वो उसे कंधे पर लादता है और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। हॉस्पिटल उस जगह से 20 किलोमीटर दूर है और सड़क भी नहीं। कंधे पर लादे लादे हिडमा अगले दिन सुबह सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। ऐसी रिमोट जगह पर डॉक्टर हर दिन अवेलेबल नहीं होते। डॉक्टर अगले दिन आता है और कहता है 50,000 रुपए लगेंगे तुम्हारी बहन को बचाने के लिए। हिडमा के पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं। डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और बदकिस्मती से हिडमा की बहन मर गई। बहन को दफनाने के बाद हिडमा पुलिस स्टेशन जाता है रेप और मर्डर की कंप्लेन करने। पुलिस वाला FIR लिखने के लिए पैसे मांगता है। हिडमा के पास नहीं होते। वो फिर 20 किलोमीटर दूर अपने गांव जाता है और एक बड़े साहूकार के पास पैसे मांगने लगता है। हिडमा सेठ को भला आदमी मानता था क्योंकि वो उसे कभी कभार अलग बर्तन में खाना खिलाता था और अलग कप में चाय भी पिलवाता था। सेठ ने पैसे भी दिए, पूरे 30% ब्याज पर। भोला भाला हिडमा सेठ की चाल नहीं समझ सका। हिडमा 20 किलोमीटर दूर थाने वापस जाता है पैसे लेकर, लेकिन पुलिस फिर भी उसकी कंप्लेंट नहीं लिखती। उल्टा उसे ही लॉकअप में डाल देती है और मारती है क्योंकि रेप में उस इलाके के एक बड़े घर के लड़के शामिल थे। पैसा ऑलरेडी पुलिस के पास जा चुका था। 2-4 दिन लॉकअप में सड़ने के बाद हिडमा अपने गाँव वापस जाता है और अब हिडमा सिस्टम से हार चुका है। अब उसके आंसू सूख चुके थे, आंखें पथरीली हो चुकी थी। घटना को कुछ वक्त बीत जाता है और हिडमा साहूकार को ब्याज नहीं चुका पाता। साहूकार उसकी गाय भैंस छुड़ा कर ले जाता है। हिडमा सो नहीं पाता। हर रात उसको यही ख्याल आता है कि सड़क होती तो वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता या फिर दूसरे हॉस्पिटल ले जा पाता। वो मन ही मन सिस्टम से नाराज होता चला गया। इलाके में डॉक्टर क्यों नहीं आता, पुलिस भी हमारे साथ नहीं है, हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय क्यों होता है। कुछ दिन बाद हिडमा के पास एक आदमी आता है। वो उसे कहता है तुम खुद को अकेले मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो उसे एक फुल्ली लोडेड बंदूक और तेज धार हंसिया थमा देता है। हिडमा हम का मतलब तो नहीं समझा, लेकिन बंदूक और हंसिए का इशारा जरूर समझा। हिडमा सबसे पहले पुलिस थाने जाता है, थानेदार को गोलियों से भून देता है, फिर हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर का सर हंसिए से उड़ा देता है, अंत में कुछ गोलियां साहूकार के लिए बचा लेता है। फाइनली जब वो गाँव लौटा तो उसका चेहरा खून के छींटों से सना था और मन
संतुष्टि के भाव से सराबोर, क्योंकि हेडमा ने सिस्टम से अपना बदला ले लिया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब गांव वाले उसे नक्सली क्यों बुला रहे थे। कहानी असली है या काल्पनिक, ये तय करने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ देता हूं, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि एक साधारण सा हेडमा नक्सली कैसे बन गया। लेकिन असली सवाल यह है कि ये नक्सली वर्ड इंडियन सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आया कैसे, नक्सलवाद की शुरुआत कब, कहां और क्यों हुई। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ hours की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूँ? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। वक्त था फरवरी 1967 का, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। एक व्यक्ति चुनाव में हार गया था, नाम था जंगल संथाल। इनके साथ थे चारू मजुमदार और कानू सान्याल जैसे लोग। हर कैंडिडेट का एक चुनावी एजेंडा होता है, इनका भी था। इस समय यहाँ आदिवासियों का शोषण स्थानीय जमींदारों द्वारा बेदर्दी से किया जा रहा था। जबरन बेगारी करवाई जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे या कम पैसे दिए जाते थे। भोले भाले आदिवासी लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, अधिकारों की समझ थी नहीं और ये दुनियादारी भी ज्यादा नहीं समझते थे। इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, इनकी प्रॉब्लम सुलझाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए संथाल, मजुमदार, सान्याल ने अपने जीवन का लक्ष्य आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ना बना लिया। इसीलिए ये चुनाव जीतना चाहते थे पर मिल गई हार। पर किसे पता था कि ये हार एक बड़े मूवमेंट की शुरुआत की सूत्रधार बनने वाली थी। अब चुनाव तो हार गए थे लेकिन आदिवासियों के लिए लड़ना तो था ही, चाहे लोकतंत्र से चाहे गणतंत्र से। सॉल्यूशन निकला ये विचार, बहुत हुआ सम्मान ताकत होत बलवान। चारू मजुमदार का मानना था कि भिखारियों की तरह अधिकार मांगना व्यर्थ है, अधिकार छीनना पड़ेगा। यानी ताकत ही एकमात्र तरीका बन गया जिससे आदिवासी अपना हक पा सकते थे। इसके बाद उन्होंने 18 मई 1967 को बंगाल के दार्जिलिंग एरिया के कुछ गांवों के आदिवासी किसानों को मिलाकर एक किसान परिषद का गठन किया। इस परिषद ने एक बड़ा सीधा सा फैसला लिया और फैसला था, फसल उसी की जिसने बोई है। इस फैसले के बाद इस संगठन के किसान जमींदारों के मालिकाना हक वाले खेतों से फसल जबरन छीनने लग गए। अब इस करतूत की पुलिस में शिकायत हुई। 23 मई 1967 के दिन इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी अपने दल बल के साथ झारूगांव नाम के गांव में दाखिल हुए। इनका काम था जबरन कटाई में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना। पुलिस दल को आदिवासी किसान मजदूरों ने घेर लिया और तीर कमान से हमला कर दिया। तीरों की बौछार में वांगड़ी मारे गए। पुलिस दल के बाकी लोग अपने हथियार फेंक कर भाग गए। यह घटना पुलिस प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा थी। यह घटना सरकार के लिए एक ललकार थी। अब बदला लेने की बारी सरकार की थी। उस समय बंगाल के गृह मंत्री थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता ज्योति बसु। सोनम वांगड़ी के हथियारों की तलाश शुरू हुई। दो दिन बाद पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी पड़ोसी गाँव नक्सलबाड़ी पहुंची। जब गाँव में पुलिस घुसी तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। भीड़ ने रास्ता रोक लिया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। कई आदिवासियों की लाश बिछ गई। ये 25 मई 1967 का दिन था। इसी घटना के बाद चारू मजुमदार ने रक्त क्रांति की शुरुआत की घोषणा की। इस घटना ने ही भारतीय राजनीति को एक नया शब्द दिया, नक्सली, जिसका मतलब है ऐसे आदिवासी किसान जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं। अट्ठाईस जून 1967 को चारू मजुमदार ने चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों और आदिवासी किसानों को इकट्ठा किया और प्लान बनाया कि अब हमें अत्याचारी जमींदारों की जमीन को जबरन हड़प लेना चाहिए और जो रोके उसे मार देना चाहिए। प्लान का एग्जीक्यूशन हुआ। धनुष बाण से लैस आदिवासियों ने जमींदारों के खेतों पर कब्जा कर लिया और पुलिस थानों पर हमला, बंदूकें लूट ली।
कुछ सरकारी अधिकारियों, दुकानदारों, जमींदारों को पीट पीट कर मार डाला गया। हालांकि इस बार विद्रोह में एक महत्वपूर्ण बात और जुड़ गई और वो था चीन। चारू मजुमदार अपने वायलेंस एक्ट को हमेशा इस बात से जस्टिफाई करते थे कि लोगों की हत्या करने का उनका तरीका चीन में प्रचलित मार्क्सवाद की विचारधारा के अनुसार सही है। चीन ने भी चारू मजुमदार और उनके सहयोगियों द्वारा की जा रही हिंसा को समर्थन दिया। यहाँ तक कि चीन ने रेडियो में इस बात की चर्चा भी की कि इस विद्रोह की सफलता के लिए चीन मदद देने को तैयार है। इसने चारू मजुमदार द्वारा बनाए गए संगठन को फाइनेंशियल एड और हथियार की सहायता पेशकश की। लेकिन कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार भी एक्शन मोड में आ गई और आखिरकार जुलाई तक सरकार ने विद्रोहियों से आत्मसमर्पण करने की मांग की। अगस्त तक लगभग 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धड़ाधड़ कार्यवाहियों के कारण चारू मजुमदार, कानू सान्याल और विश्वनाथ मुखर्जी अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन प्रदेश में ऐसी अराजकता का दौर 1972 तक चलता रहा। 1972 में एक बार फिर से चुनाव हुए। मार्च 1972 में जनता ने वामपंथी और क्रांतिकारियों को सत्ता से बाहर कर दिया और कांग्रेस को बहुमत दे दिया। नई सरकार का नेतृत्व सिद्धार्थ शंकर रे कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया। यहाँ तक कि आदिवासियों को बरगलाने वालों के खिलाफ फुल एंड फाइनल कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने कई गैर कानूनी उपाय भी अपनाए, जैसे चारू मजुमदार की हिरासत में ही हत्या कर दी गई। कानू सान्याल और संथाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुल मिलाकर नक्सलवाद को जन्म देने वाले टॉप लीडर्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन सरकार ये भूल गई कि नक्सलवाद का कोई शरीर नहीं था। ये तो एक विचार है जो कि हजारों चारू मजुमदार और कानू सान्याल या फिर हिडमा को पैदा करने की कुव्वत रखता है, और हुआ भी यही। धीरे धीरे नक्सलबाड़ी गांव की वो चिंगारी एक बड़ी लाल आग में बदल गई और पूरे भारत में वहां वहां फैल गई, जहां पिछड़ापन था, गरीबी थी, अशिक्षा थी, असमानता थी, शोषण था, और ये आग अपने रास्ते में आने वालों को जलाते जा रही थी। लाल आग से झुलसा भारत का यही हिस्सा कहलाया रेड कॉरिडोर। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवाद मुख्य रूप से 9 राज्यों तक सीमित है। आप केरल में खड़े हो जाइए, उसके बाद शतरंज के ऊंट की तरह तिरछा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलिए। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य मिलेंगे। इन्हीं राज्यों के नक्सली प्रभावित इलाकों को कलेक्टिवली रेड कॉरिडोर कहा जाता है। हालांकि नक्सली गतिविधियां कुछ स्टेट्स में दूसरे की तुलना में ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जैसे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 15 वर्तमान में नक्सली खतरे से जूझ रहे हैं। वहीं ओडिशा के 7, झारखंड के 5, मध्य प्रदेश के 3, केरल के 2, महाराष्ट्र के 2 और तेलंगाना के 2 जिलों में नक्सली गतिविधियां बड़े पैमाने पर देखी जाती हैं। लेकिन इन सब इलाकों में छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ ऐसा इलाका है जो नक्सली की नर्सरी बनकर उभरा है। आपने अक्सर खबरों में नक्सली एनकाउंटर में अबूझमाड़ का जिक्र जरूर सुना होगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ नक्सली गतिविधियों का सेंटर बन गया है। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ये आयरनी भी है कि छत्तीसगढ़ नो डाउट नक्सल एक्टिविटी का एपिसेंटर भी है। इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर 7 अन्य राज्यों, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में ओडिशा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगती है। छत्तीसगढ़ के साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ एक घने जंगल वाला बड़ा सा एरिया है, और ये जंगल है दंडकारण्य, वही रामायण वाला जंगल जहाँ राक्षस दंडक रहता था। हालांकि दंडकारण्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, या उत्तर से दक्षिण तक लगभग 300 किलोमीटर यानी 200 मील और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 500 किलोमीटर तक फैला है। दंडकारण्य में पश्चिम में अबूझमाड़ पड़ता है। अबूझमाड़ एक गोंडी भाषा का वर्ड है। अबूझ का अर्थ है अज्ञात और माड़ का अर्थ है पहाड़ी, यानी अबूझमाड़ का मतलब हुआ अज्ञात पहाड़ियां। घने जंगल, पहाड़ और कई नदियों वाला ये इलाका 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कोयला, लोहा जैसे खनिज भंडारों से भरपूर ये इलाका छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले, बीजापुर जिले और दंतेवाड़ा जिले को कवर करता है, और इसकी सीमा ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमाओं के करीब है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 4 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर से कम है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 27% आदिवासी आबादी का घर है।
इसमें गोंड, मुरिया, अबूझ माड़िया, माड़िया और हल्बा जनजातियां प्रमुख है। कुल 34,000 आदिवासी 233 गांवों में रहते हैं। वहीं गोदावरी नदी की एक सहायक नदी इंद्रावती, जो ओडिशा से निकलती है, इस क्षेत्र को बस्तर से अलग करती है। सबसे आश्चर्य की बात ये कि संभवतः अबूझ माड़ भारत का ऐसा प्लेस है जहां अभी तक कोई राजस्व मानचित्र नहीं है, यानी ग्रामीणों के पास उस जमीन का कोई पट्टा नहीं है जिस पर वे रहते हैं या खेती करते हैं। छत्तीसगढ़ के साउथ पार्ट की ज्योग्राफी बताने का मकसद ये समझाना है कि ये इलाका बेहद दुर्गम है और बाकी दुनिया से अलग थलग है। ये इलाका इतना अलग थलग है कि 2009 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस इलाके में न घुसने का 30 साल पुराना प्रतिबंध हटाया था। यानी 2009 के पहले आम आदमी तो इस इलाके में जा ही नहीं सकता था। ये इतना अलग थलग है कि इस क्षेत्र में कोई सरकार है या नहीं ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए अबूझ माड़ को मुक्त क्षेत्र कहा गया है और इसलिए ये इलाका 90 के दशक से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नक्सल माओवादी विद्रोहियों का गढ़ बन गया। देखिए, 2000 के दशक की शुरुआत में नक्सलियों ने अपने इस गढ़ को मजबूत बनाना शुरू किया था। इन्होंने 50 से अधिक स्कूलों को जला दिया था, सड़कों को बर्बाद कर दिया था। चूंकि सरकार के किसी भी रूप की फिजिकल प्रेजेंस यहाँ नहीं है, इसलिए नक्सली यहाँ एक समानांतर सरकार चलाते थे जिसे जनता सरकार के रूप में जाना जाता है। इनकी खुद की मिलिट्री विंग है जिसे पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA कहते हैं। यहाँ तक कि ये ट्रेनिंग कैंप, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, पीपल्स कोर्ट, सहकारी खेती, खाद्यान्न और बीज बैंक और स्कूल भी चलाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोटापाड़ा में जनता सरकार भूमकाल स्कूल के बारे में बताया, जहां प्रारंभिक शिक्षा के अलावा छात्रों को नक्सल विचारधाराएं भी पढ़ाई जाती हैं। अगर स्थानीय लोगों की माने तो माओवादी आज भी कम से कम 2 जगहों पर अपने सिलेबस के साथ स्कूल चलाते हैं, मुरुमवाड़ा और बोटेर में। कुल मिलाकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ की दुर्गम ज्योग्राफी नक्सलवादियों के लिए छिपने और ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल सेफ है। इन घने जंगलों में सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों का पता लगाना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है और उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाना उससे भी मुश्किल। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रोड और कम्युनिकेशन जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण सुरक्षा बलों को समय पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती और वे जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं कर पाते। इसके अलावा क्षेत्र में अशिक्षा है, गरीबी, असमानता जैसे कई फैक्टर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पनपने के बेसिक रीजंस हैं और लगभग यही कारण पूरे रेड कॉरिडोर में नक्सलवाद के फलने फूलने के भी हैं। अब आप जरा रेड कॉरिडोर के मैप को ध्यान से देखिए। नक्सली गतिविधियां सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में हो रही हैं जो इलाके बहुत पिछड़े हैं, दुर्गम हैं, जहां हेडमा जैसे हजारों युवक हैं। इन इलाकों में गरीबी है, काम धंधा है नहीं, बेरोजगारी बहुत है और ऊपर से भुखमरी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से फैली हैं। यहाँ लोगों के पास बहुत ही बेसिक फैसिलिटी जैसे साफ पानी, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स नहीं हैं। अगर स्कूल और हॉस्पिटल होते भी हैं तो स्कूल और अस्पतालों की हालत खराब होती है। न तो स्कूलों में आचार्य जी होते हैं, न ही अस्पतालों में डॉक्टर। ऊपर से वंचित और गरीब वर्गों के लोग अक्सर जमींदारों और सरकारी अधिकारियों द्वारा शोषित होते हैं। उनसे आज भी बेगारी करवाई जाती है या कम से कम मजदूरी दी जाती है। सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोगों की सिर्फ चप्पलें घिसती हैं, कल आओ और ज्यादा पैसे लाओ वाला व्यवहार होता है। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में दोषपूर्ण भूमि अधिग्रहण कानून भी नक्सली पैदा करने में अहम किरदार निभाते हैं। इन इलाकों में माइनिंग की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। इस वजह से कभी आदिवासियों की जमीनें कोयले की खदानों में बदल दी जाती हैं या फिर कभी विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं, लेकिन सही मुआवजा या फिर पुनर्वास नहीं मिलता। इसके अलावा जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो उनकी पारंपरिक आजीविका के साधन भी छिन जाते हैं और वो अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने लगते हैं। इन कारणों से आदिवासी समुदाय में असंतोष और आक्रोश बढ़ता है। इसके अलावा दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को समाज में समान अधिकार नहीं मिलता और वो सम्मान भी नहीं मिलता जो सिर्फ मनुष्य होने की वजह से मिलना चाहिए। अगर आप कभी ऐसे इलाकों में जाएं तो अगड़ों और पिछड़ों की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करिएगा। ये भी देखा गया है कि सरकार भी कई बार ऐसे इलाकों में असंतोष फैलाने का काम कर जाती है। वहीं कई बार सरकार और प्रशासन की नीतियां गरीब और वंचित वर्गों के पक्ष में नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो योजनाओं और संसाधनों का लाभ समाज के निचले तबकों तक छन छन कर नहीं पहुँचता। नेताओं द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा और भ्रष्टाचार भी लोगों का सिर्फ असंतोष ही बढ़ाता है। बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग अपने परिवारों को पालने में असमर्थ होते हैं। इन समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण
लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में फेल हो गई है। ऐसे वंचित और मजबूर लोग जब देखते हैं कि उनके साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अन्याय हो रहा है और इनके अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो इन्हें हमदर्दी का हाथ बढ़ाए नक्सलवादी दिखते हैं। नक्सलवादी इस असमानता और अन्याय को एज अ टूल यूज करते हैं और गरीब तथा वंचित लोगों को बरगला कर उन्हें अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए सरकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाते हैं। उन्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत सरकार की देन है। नक्सलवादी हथियार, गोला बारूद और वित्तीय सहायता देकर इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। 2006 की बंदोपाध्याय समिति ने भी खराब शासन, आर्थिक असमानताओं और आदिवासी समुदायों के खिलाफ सामाजिक राजनीतिक भेदभाव को नक्सलवाद के प्राइमरी कारणों के रूप में पहचाना था और इन समस्याओं के समाधान के लिए आदिवासियों के हित के मुताबिक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की सिफारिश की थी। भारत में जहां वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित था, वहीं आज का माओवाद चीन से प्रभावित है। विचारधारा के लेवल पर ये लोग चीन के माओ त्से-तुंग की विचारधारा में भरोसा करते हैं। कई नक्सली नेताओं ने माओ की रणनीतियों को अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना लिया है और ये लोग सामाजिक और आर्थिक न्याय पाने के लिए सशस्त्र संघर्ष की वकालत करते हैं। गांधी जी का हृदय परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट या लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट इनके लिए मजाक है। नक्सलियों का मानना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की। सरकार के प्रति नक्सलियों में कई दशकों की नाराजगी है। इनके लिए गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज जैसे अत्याचारी थे, वैसे ही काली चमड़े वाले भारतीय भी अत्याचारी हैं। ये लोग अपनी सभी समस्याओं के लिए समाज और सरकारी नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। इनके लिए इन सब समस्या का सॉल्यूशन है बंदूक और हिंसा, यानी जो भी अन्याय करे उसे सीधा मारो और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए इन नक्सलियों ने बंदूक उठाकर जनता सरकार स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि ये फैक्ट छिपा नहीं है कि कुछ नक्सली गुटों को फॉरेन सोर्सेज से गुरिल्ला युद्ध में ट्रेनिंग, फंडिंग, हथियार या दूसरी सहायता भी मिलती है। ऐसे फॉरेन सोर्सेज में चीन का नाम भी आता है और आजकल तो नक्सलवाद भी अपडेटेड और आधुनिक हो गया है। गांव देहात से निकलकर शहरों में पहुंच गया है, जहां ये जाना जाता है अर्बन नक्सलवाद के नाम से। पिछले कई सालों से अर्बन नक्सलिज्म शब्द हमें कई बार सुनने को मिलता है, खासतौर पर टीवी डिबेट में एंटी गवर्नमेंट स्टांस रखने वाले या सरकार के आलोचकों को अर्बन नक्सली कह दिया जाता है। देखिए, अर्बन नक्सलवादी ऐसे शहरी लोगों को कहा जाता है जो ट्रेडिशनल नक्सलवादी तो नहीं, लेकिन वो नक्सलवादी ऑर्गेनाइजेशन और उनके काम करने के तरीकों को सही ठहराते हैं। यह ट्रेडिशनल रूरल नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें स्टूडेंट्स, सोशल एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी शामिल हो सकते हैं, ये अपने बयानबाजी, विचारों, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह से नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष भड़काते हैं। कई बार इन पर नक्सलियों के लिए युवाओं की भर्ती की मदद करने का भी आरोप लगता रहा है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ hours की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूँ? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब, तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप pre-2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। करिए अपने सपने को साकार। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाले राक्षस के 3 सिर हैं। कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलन और लाल गलियारे में नक्सल माओवादी विद्रोह। नक्सलवाद या माओवादी विद्रोह पिछले 5 दशकों से भारत के लिए एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती बना हुआ है। नक्सलवाद एक ऐसा आंदोलन है जो शुरू तो हुआ था
समाज के वंचित और गरीब वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इस लक्ष्य को पाने का तरीका और रास्ता दोनों ही गलत है। नक्सली सरकार को न सड़क बनाने देते हैं, न स्कूल, न हॉस्पिटल। ये आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते भी हैं। ये लोगों से वसूली करते हैं और समानांतर अदालतें चलाते हैं। प्रशासन तक पहुंच न होने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं और जो इनका विरोध करता है उन्हें ये मार डालते हैं। इसलिए नक्सलवाद से निपटना बहुत जरूरी है। लेकिन नक्सलवाद से कैसे निपटा जाए, इस मामले पर समाज की राय बटी हुई है। कौन है ये नक्सलवाद? क्या इन्हें गरीब और वंचित माना जाए या क्रांतिकारी माना जाए? नक्सली समस्या की असल वजह गरीबी है, बेबसी है, सामाजिक असमानता, विकास की कमी या सरकार की असफलता है? नक्सलियों का असली मकसद है क्या? गरीबों को न्याय दिलवाना, क्रांति करना, बंदूक के जरिए सत्ता हासिल करना या सिर्फ रंगदारी करना? क्या नक्सलवाद को एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाना चाहिए या सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में? आपको बता दें कि रेड कॉरिडोर की पूरी आबादी का केवल 10% ही नक्सलियों के पक्ष में है और 90% नहीं है। वहीं अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों की भी लड़ाई है जो विकास की कमी के कारण पिछड़ रहे हैं। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान एक दो साल में देश से वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई। इसलिए उनकी कसम को पूरा करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों वाली 4 बटालियनों को तैनात किया है। इस रणनीतिक कदम का मकसद है मार्च 2026 तक माओवादी समस्या का समाधान करना और इसी कारण से हाल ही में नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी दिख रही है। डेटा की बात करें तो सरकारी कार्यवाहियों के कारण पिछले 10 सालों में वामपंथी उग्रवाद हिंसा का प्रसार बहुत हद तक कम हो गया है। 2013 में 10 राज्यों के 126 जिलों में हिंसा होती थी। अब हिंसा अप्रैल 2024 तक 9 राज्यों के केवल 38 जिलों तक सीमित हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार केवल बंदूक के दम पर ही नक्सलवाद के पेड़ को जड़ से उखाड़ना चाहती है। यहाँ गन्स भी हैं और रोजेस भी। सोचिए कि जिन समस्याओं के कारण नक्सलवाद पैदा हुआ, अगर उन्हीं वजहों को खत्म कर दिया जाए तो शायद नक्सलवाद भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, साफ पानी, एडुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे एरिया में काम कर रही है। 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी पहल की शुरुआत की गई थी ताकि नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। हथेलियों में काम का पसीना होगा तो शायद बंदूकें हाथों से फिसल जाएंगी। सरकार ऐसे दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बड़े लेवल पर सड़क बनवा रही है। इसके अलावा 2017 में केंद्र सरकार ने समाधान नाम से एक योजना की शुरुआत भी की। इसके अलावा सरकार सरेंडर और पुनर्वास योजना भी चलाती है जिसमें नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने और उनके पुनर्वास के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए क्षमा और पुनर्वास की विशेष योजना भी चलाई जा रही है। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।